ईरान समर्थित हूती विद्रोही अमेरिका के लिए नासूर बने हुए हैं। लाल सागर में हूती अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ी परेशानी खड़े किए हुए हैं। इस दौरान अमेरिका इन हूती विद्रोहियों से पार पाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं वो अमेरिका की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना को सुरक्षित रखने के खर्च को लेकर जो आंकड़े अमेरिका की तरफ से पेश किए गए हैं, उससे पता चलता है कि हूती का आतंक अमेरिका के आर्थिक ढांचे को भी हिला रहा है, जिससे पेंटागन के अधिकारी बेहद चिंतित हैं। डीओडी अधिकारियों के मुताबिक हूती ड्रोन को नष्ट करने के लिए नौसैनिक मिसाइलों का उपयोग करने की लागत $2.1 मिलियन प्रति शॉट आती है। ये ड्रोन मुख्य रूप से ईरान निर्मित है, जिसकी कुल लागत अधिकतम $2,000 है। इस तरह से जो खर्च इन ड्रोन्स को रोकने के लिए किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा है। इस अंतर को देखते हुए इस तरह का खर्च अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तेजी के साथ हूती के हमले लाल सागर में बढ़ते जा रहे हैं, उतनी तेजी और लागत के साथ अमेरिकी नौसेना को जवाबी हमला करना पड़ रहा है। रक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स ने पिछले 2 महीनों में लाल सागर में 38 ड्रोन और कई मिसाइलों को मार गिराया है। इस बीच क्योंकि ईरान समर्थित आतंकवादियों ने ऊर्जा और तेल ले जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। केवल शनिवार को ही विध्वंसक यूएसएस कार्नी ने 14 एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन को रोका। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि भले ही उनकी आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया जाता है, लेकिन खर्च को देखते हुए ये हमारे पक्ष में नहीं बल्कि उनके पक्ष में जाता है। इसलिए खर्च कम करने वाले विकल्प पर भी विचार हो रहा है, जिसमें कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक उस काम के लिए केवल एक ही हथियार उपयुक्त होगा, स्टैंडर्ड मिसाइल 2। ये एक मध्यम दूरी का वायु रक्षा हथियार है जो वेरिएंट के आधार पर 92 या 130 समुद्री मील तक पहुंच सकता है। यह हमले सिर्फ हूती और अमेरिका के बीच का मामला नहीं है। हूती नेताओं ने कहा है कि हमले फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन का प्रदर्शन है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसराइल गाजा में अपना अभियान बंद नहीं कर देता। इस तरह के बढ़ते हमलों की वजह से सोमवार को शिपिंग की सुरक्षा और हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने 10 देशों की एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन की घोषणा की। साथ ही रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने यह भी कहा कि यह सिर्फ अमेरिका का मुद्दा नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इस चुनौती से निपटने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। अब ये संयुक्त गठबंधन कब और कैसे काम करती है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो हूती विद्रोहियों के हमले का असर ग्लोबल लेवल पर भी पड़ने लगा है। इससे सप्लाई चेन में रुकावट आने की आशंका बढ़ गई है, जिससे तेल और दूसरी जरूरी वस्तुओं के दाम आने वाले दिनों में तेजी से ऊपर जा सकते हैं।